नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मुंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ एमपी बोर्ड अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। पिछले वीडियोज यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज को आप जरूर देखिएगा। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम क्लास ट्वेल्थ के आल सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक को हल कर रहे हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है कीमत अनुपात PX बाय PY का ढाल सूचित करता है। तो ये पहला ही क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता हो सकती है तो जैसे धनात्मक ऋणात्मक शून्यात्मक या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर सही रहेगा। अगला है सीमांत उपयोगिता हास नियम का आधार होता है। तो मूल्य निर्धारण मांग का नियम उपभोक्ता की बचत का आधार उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इस पर स्टार लगा हुआ है मीन से डाउटफुल है। यदि वाई वस्तु की कीमत ऊंची हो जाने पर एक्स वस्तु की कीमत भी ऊंची चली जाए तो वस्तुएं स्थानापन्न असंपन्न पूरक या प्रतिस्पर्धी, थोड़ा सा डिस्प्यूट टाइप का क्वेश्चन है। बाकी आप चाहें तो इसका यदि आपको एग्जैक्ट इसका आंसर पता हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है यह भी इसी प्रकार का है लेकिन फिर भी मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए। जैसे एक वस्तु की मांग डीडी से डीडी हो जाती है तो कहा जाएगा तो स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो निम्नलिखित में लोचदार मांग वाली वस्तु कौन सी है, तो वो एयर कंडीशनर है। यदि किसी वस्तु की मांग धनवान उपभोक्ता द्वारा की जाती है तो सामान्यतः इसकी मांग की लोच होती है तो वो कम लोचदार होती है। अगला क्वेश्चन है यदि एम यू वाई इज इक्वल टू 20 एम यू एक्स इज इक्वल टू 60 कीमत वाई वस्तु की इज इक्वल टू 4 रुपये तब एक्स वस्तु का संतुलन मूल्य क्या होगा, तो ये भी एक फार्मूले के अकॉर्डिंग होगा। तो आप इसको सॉल्व करके इसका सही आंसर कमेंट्स करके बताएं। अगला क्वेश्चन है मूल्य तथा मांग में संबंध होता है तो वो विपरीत होता है। उपयोगिता हास नियम का प्रतिपादन गोसेन ने किया था, गोसेन का प्रथम नियम है ना। इसके अनुसार घटिया वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव तो वो होता है ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है यदि अन्य बातें समान रहे तो पेट्रोल की कीमत में कमी होने पर टायर की मांग होती है तो उसमें वृद्धि हो जाती है। अगला है ऊंची तटस्थता वर्ग स्तर की संतुष्टि को दर्शाता है तो उच्च। अगला क्वेश्चन है किस स्तर के बाद सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता घटने लगती है, तो जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है उसके पश्चात कुल उपयोगिता घटने लगती है तथा सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है दोस्तों, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है, तो अधिक लोचदार होती है। बाकी क्वेश्चन है उत्पादन के साधनों की मांग किस प्रकार की होती है, उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता के अधिकतमीकरण का बिंदु क्या कहलाता है। जब वस्तु आवश्यक होती है तो उस वस्तु की मांग की लोच कैसी होती है, तो वो बेलोचदार होती है। अगला है सही जोड़ियां हैं, जैसे मांग के नियम का आधार है तो इसका संबंध शून्य नहीं हो सकती। निम्न कोटि की वस्तुएं तो गिफिन वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुओं की मांग बेलोचदार, स्थिर लागत तो इसका संबंध है ये हालांकि मैंने क्रम डाल दिया है, आपको डाउट रहे तो इनको एक बार रिचेक कर लीजिएगा। अगला है स्थिर लागत, तो ये चौथे नंबर वाला तो इसका संबंध होगा शून्य नहीं हो सकती और तथस्था वक्र यानी कि एक दूसरे को नहीं काटते। अगला क्वेश्चन है कुल उपयोगिता वक्र नकारात्मक ढाल के माफ कीजिए कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। उदासीनता वक्र नकारात्मक ढाल क्यों बनाते हैं, मांग की बिंदु लोच क्या है, सीमांत उपयोगिता हास नियम के दो व्यावहारिक महत्व बताइए, धनात्मक और ऋणात्मक उपयोगिता से क्या तात्पर्य है, बजट रेखा क्या है, यह दाईं ओर कब खिसकती है। अगला क्वेश्चन है उदासीनता मानचित्र क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो पूर्णतः बेलोचदार मांग किसे कहते हैं। अगला है मांग वक्र के नीचे जाने का क्या कारण होता है, जलवायु तथा मौसम का मांग पर क्या प्रभाव होता है, मांग की लोच सदैव ऋणात्मक क्यों होती है, कारण दीजिए। एक काल्पनिक बाजार मांग अनुसूची तथा तत्संबंधी रेखाचित्र बनाइए, विभिन्न प्रकार की मांग की कीमत लोच का वर्णन कीजिए तथा रेखाचित्र की सहायता से उन्हें समझाइए। अगला है यदि सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS में वृद्धि हो रही है तो उदासीनता वक्र की आकृति कैसी होगी।
अनुसूची के साथ समझाइए कि कोई उपभोक्ता एक वस्तु को खरीदने पर संतुलन कब प्राप्त करेगा। समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को एक व्यवहारिक उदाहरण द्वारा समझाइए। नमक तथा पानी की मांग लोचदार क्यों होती है? क्योंकि आवश्यक भी होती है ना। अगला क्वेश्चन है, क्या एक ही मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग हो सकती है? यदि हाँ तो क्यों? निम्न दोनों दशाओं में समसीमांत उपयोगिता को समझाइए, जिसे जब दोनों वस्तुओं की कीमत समान हो, जब दोनों वस्तुओं की कीमत अलग अलग हो। अगला क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता केवल दो वस्तुएं ए और बी का उपभोग कर संतुलन की अवस्था में है। आप यह दर्शाएं कि जब बी की कीमत गिरती है तो बी की मांग बढ़ती है। उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये इकोनॉमिक्स क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 के जो आपके क्वेश्चन बैंक हैं, इन प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है। बाकी जो मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिए हैं, आप उनको अपने सब्जेक्ट टीचर से या खुद सेल्फ स्टडी करके इनके आंसर ज्ञात कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइए। पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो मैंने उनको प्लेलिस्ट में डाल दिया है। साथ ही हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th की इंग्लिश, हिस्ट्री है ना, हिंदी के भी मैं जल्द ही आपके लिए प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। कोशिश कर रहा हूँ आप PDF की, और वो आप तक मैं पहुँचाने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।